देवभूमि हिमकरामंच शिमला की ओर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। कला के क्षेत्र से जुड़े हर कलाकार का हम स्वागत करते हैं। हम हर बार कोशिश करते हैं एक नए कलाकार को आपसे रूबरू करवाने की। तो आज की इस कड़ी में हमारे साथ है नीलम। नमस्कार जी। नमस्कार जी। देवभूमि हिमकरामंच में आपका स्वागत है। तुम अपने बारे में कुछ बताइए। बिलासपुर की रहने वाली हूँ और मैं शिमला में रह रही हूँ काफ़ी टाइम से। तो संगीत का शौक आपको कैसे हुआ? संगीत का शौक मुझे बचपन से ही था, ये धीरे 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 बढ़ता रहा जी। मुझे हिंदी का बहुत शौक है, हिंदी म्यूजिक का और पंजाबी और थोड़ा बहुत पहाड़ी। कितने समय से आप संगीत की शिक्षा ले रही? अभी मैं फिलहाल संगीत से ही रही हूँ, ऐसे तो काफ़ी टाइम से गा रही थी। कहाँ सीख रहे हैं आप संगीत? मैं संगीत शोगी में सीख रही हूँ। मेरे सर का नाम है आशीष चौहान, मैं उनसे अभी वोकल की शिक्षा ले रही हूँ। तो आपको कब ऐसा लगा कि आपको संगीत सीखना चाहिए? गाने का शौक तो बचपन से ही था, ऐसे मेरी मम्मी है वो भी गाते थे स्कूल टाइम में, तो उन्होंने धीरे 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 मुझे सिखाना स्टार्ट किया। उससे मुझे लगा कि हाँ मुझे भी संगीत सीखना चाहिए, क्योंकि जो घर में माहौल होता है वो एक म्यूजिकल है, तो उससे पता चल गया। तो कब से मतलब किसी ने आपको इंस्पायर किया गाने के लिए? जी मेरी मम्मी ने मुझे इंस्पायर किया, मेरे टीचर्स ने मुझे। कि माँ अगर गुरु हो तो बच्चा बहुत आसानी से कोई भी चीज़। जी हाँ बिल्कुल, ये सही बात है कि पहली जो गुरु होती है वो माँ होती है। मेरी माँ ने मुझे इतना सिखाया है जिसके कारण मैं आज यहाँ पे हूँ, मैं उनकी एक परछाई हूँ। जी बताया कि आपको संगीत का या म्यूजिक का शौक बचपन से ही रहा, तो इसके अलावा और क्या शौक है आपको? मुझे डांसिंग का बहुत शौक है और मैं मिमिक्री भी करती हूँ, बस टाइम पास के लिए, हंसाने के लिए किसी को। एक्चुअली मैं खुद भी ट्राई करता हूँ मिमिक्री करने का, बट मुझसे होता नहीं है। मुझे आपको देख के एकदम से अचंभा हो गया कि वाह यार मिमिक्री, तो ज़रूर सुनेंगे हम आपकी मिमिक्री का म्यूजिक आपसे। जी मैं क्लासिकल म्यूजिक सीखती हूँ और काफ़ी टाइम से ये सीखती आ रही हूँ, रुझान मेरा इसमें ही था। और मैं थोड़ा बहुत फोक भी करती हूँ। जी वैसे भी हम लोग हिमाचली हैं, तो मैं आपसे पूछने ही वाला था कि फोक में आप रुचि रखते हैं? हाँ जी मैं बिल्कुल, मैं चंबा का फोक जो बहुत फेमस है। तो नीलम मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि म्यूज़िक ही आपने क्यों चुना? आजकल की गर्ल्स मैक्सिमम एक्टिंग, मॉडलिंग या किसी भी दूसरी फील्ड में, डांस हो गया, किसी अलग फील्ड में जाती हैं, तो आपने म्यूज़िक ही क्यों चुना? म्यूज़िक में मेरा बचपन से ही रुझान था काफ़ी, और जो भी बात होती थी तो म्यूज़िक की तरफ ज़्यादा बढ़ती थी जी। इस कारण मुझे म्यूज़िक धीरे 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 मेरे जुनून में बदल गया, इसलिए मुझे म्यूज़िक में काफ़ी इंटरेस्ट। मेरा फेवरेट सिंगर मोहम्मद रफ़ी साहब जी हैं और लता मंगेशकर जी हैं। क्या बात है, दोनों ही लेजेंड हैं और बहुत कम देखने को मिलता है यूथ जनरेशन में कि ऐसे लेजेंड को, आजकल अरिजीत सिंह ऐसे ज़्यादा मैक्सिमम सिंगर्स सभी को पसंद है, तो बहुत अच्छा लगा। तो कोई ऐसा स्पेशल मोमेंट जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हो, जब आपको सबसे ज़्यादा खुशी हुई, कोई फर्स्ट स्टेज परफॉर्मेंस या कहीं पे कुछ ऐसा? मुझे सबसे बड़ी खुशी तब हुई जब मैंने अपना फर्स्ट परफॉर्मेंस दिया था, वो भी समर फेस्टिवल में, तो मेरा उसमें अखबार में नाम आया था जी। और मेरी फोटो भी आई थी, वो मुझे सबसे बड़ा, वो अपने आप में ही एक बड़ी बात। हाँ तो नीलम जैसे कि आपने अपने फेवरेट सिंगर्स बताए लता जी, मोहम्मद रफ़ी साहब, तो इनकी कुछ मधुर गानों में से कोई दो लाइनें आप हमें सुनाना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैं आपको सुनाना चाहूँगी आपकी नज़रों में समझा, वो मेरा सबसे फेवरेट सॉन्ग है जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। आपकी नज़रों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, आपकी नज़रों ने समझा जी मुझे मंजूर है आपका ये फैसला, जी हमें मंजूर है आपका ये फैसला, कह रही है हर नजर बंदा पर नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है, गर याद रहे हो। तो नीलम
करण जी, आप इन फ्यूचर इस म्यूजिक में क्या करना चाहते हो? मैं इन फ्यूचर म्यूजिक में प्लेबैक करना चाहती हूँ, ये मेरा सबसे बड़ा ड्रीम है और मैं स्टेजेस पे जाना चाहती हूँ, मैं वो एक्सपीरियंस लेना चाहती हूँ, ये मेरा सबसे बड़ा आज का ड्रीम है जिसके लिए मैं धीरे 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 चलो कोशिश एक्चुअली फोक में भी इंटरेस्ट है। मैं आपको एक चंबा का फोक सुनाना चाहूँगी, काफ़ी पुराना है। बिल्कुल। अम्मा पूछ दी सुन दी मेरे, अम्मा पूछ दी सुन दी मेरे, दुबली इतनी तू किया करी हुई हो, दुबली इतनी तू किया करी हुई, अम्मा पूछ दी पारली पड़िया मोर जो बोले हो, पारली पड़िया मोर जो बोले हो, अम्मा जी ने मोरे निंदर गवाई हो, अम्मा जी निंदर गवाई हो, अम्मा पूछ दी। जैसे सुजाता जी, मुझे हाल ही में पता चला है, मैंने आपका इंटरव्यू देखा था। ओ, देखा सच्ची में? हाँ, सच में मैंने आपका इंटरव्यू देखा था। मुझे पता चला है कि आप फोक गाते हो, वो भी बहुत प्यारा, क्या आप मेरे लिए फोक सुनाओगे? जी बिल्कुल, आपके लिए दो लाइनें। पर बोला ढाका दे रेड़ुआ तेरे, बुंदी पड़ी तू नीरे नले, नले बोलो हेड़िया शू करू मीठा, बुंदी पड़ी तू नीरे नले। वाह जी वाह, क्या बात है। धन्यवाद जी, धन्यवाद। तुम हमको बड़े नसीबों से चुराया है मैंने, किस्मत की लकीरों से मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से चुराया है मैंने, किस्मत की लकीरों से। जी मैंने फिलहाल भी पिछले साल मैंने राइजिंग स्टार में स्टार्ट किया था अपना जाना, वहाँ से मैंने ये सब स्टार्टिंग की है ऑडिशंस देने की। तो मैंने सबसे पहले जो ऑडिशंस दिया था वो था राइजिंग स्टार में, फिर देन उसके बाद मैंने इस बार समर फेस्टिवल में अपना गाना गाया था, फिर अब हाल ही में एक शो चला है हिमाचल आइडल, उसमें मैंने ऑडिशंस दिए थे, तो अभी मेरा उसमें चुनाव हो चुका है। इश्क लगा मेरे माहिदा, इस इश्क च रब बसदा, मैनू इश्क लगा मेरे माही दा, ए वखरा रंग इराही दा, जदों सोने माही दा दीदार हो गया, जदों सोने माही दा दीदार हो गया, सच्ची मुच्ची रब्बा मैनू प्यार हो गया, प्यार हो गया। तो नीलम जी, बहुत ही सुरीली आपकी आवाज़ है और बहुत ही अच्छा आपने गाया। तो दोस्तों, ये थे हमारे बीच आज मल्टी टैलेंटेड नीलम, बहुत ही सुरीली इनकी आवाज़ है और बहुत ही अच्छा ये गाते हैं। हम बहुत कामनाएं करेंगे कि जो भी इनका ड्रीम है, जो भी इनका गोल है, वो जल्द से जल्द पूरा हो जाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज इनसे विदा लेंगे, फिर मिलेंगे अगली कड़ी में अगले कलाकार के साथ। कैसा लगा आपको ये प्रोग्राम? अपने सुझाव अवश्य दें। तब तक के लिए नमस्कार, नमस्कार।